हे गाइस, वेलकम अगेन, वेलकम टू लाइफ साइट विजिट अगेन। मैं रवि विशिष्ट फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल लाइफ साइट विजिट में। तो गाइस, हमारे पास काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे, काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि फ्लोर वाइज हमें घर चाहिए। जी हाँ, जैसे इको सिटी है, चंडीगढ़ के बिल्कुल करीब है, न्यू चंडीगढ़ के अंदर इको सिटी फेज़ वन। यहाँ पे इको सिटी फेज़ वन की अगर इन्वेंट्री की बात करें, 100 गज से लेके 500 गज तक के प्लॉट्स थे गमाडा की तरफ से। क्योंकि पोजेशन सबका हो चुका था, तो काफ़ी फैमिलीज आज रह रही हैं अपना घर बना के, अपना आशियाना बना के। तो गाइस, यहाँ पे आज तक जो ऑप्शंस आप लोगों को एक्सप्लोर करवाई हैं वो होती थी इंडिपेंडेंट कोठीज या फिर प्लॉट्स। जी हाँ, 100 गज, 200 गज, 300 गज, 400 गज और 500 गज की इन्वेंट्री है। तो गाइस, अगर सबसे पहले हम लोकेशन की स्ट्रेटेजिक पॉइंट की बात करें, तो एक बेस्ट लोकेशन मानी जाती है इको सिटी फेज़ वन। गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है ये, आपको पता ही, गवर्नमेंट ने खुद ये सेक्टर डेवलप किए हैं, सेक्टर 5 और 6 इको सिटी फेज़ वन के नाम से। इसके बिल्कुल ऑपोजिट आ जाती है मेडी सिटी। जी हाँ, 350+ acres के अंदर यहाँ पर आपको सभी हॉस्पिटल्स मिल जाएंगे, जिसमें से टाटा कैंसर हॉस्पिटल ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुका है, ऐसे ही चैतन्या, मैक्स, फोर्टिस, गरेवाल, पीजीआई एक्सपेंशन, वो सारे आपको इन फ्यूचर यहाँ देखने को मिलेंगे। तो गाइस, अगर इसके डिस्टेंस की बात करें चंडीगढ़ पीजीआई से, तो हार्डली 6 किलोमीटर का डिस्टेंस रहने वाला है चंडीगढ़ पीजीआई से। जी हाँ, सेक्टर 17 से बात करते हैं, अप्रोक्सीमेट 8 किलोमीटर का डिस्टेंस रहता है इको सिटी फेज़ वन का। तो जैसे मैंने बताया, यहाँ पे आज तक हमने आपको एक्सप्लोर करवाए हैं प्लॉट्स एंड विलास की ऑप्शन। तो गाइस, आज पहली बार हम आपके लिए लेके आए हैं यहाँ पे फ्लोर प्लानिंग। जी हाँ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, 200 गज की कोठी है ये, जिसमें हमने फ्लोर बनाए हैं ग्राउंड, फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर। जी हाँ, आप इनको एज अ फ्लोर वाइज खरीद सकते हैं। अगर बात करते हैं, अभी हमारे पास अवेलेबल है फर्स्ट फ्लोर। तो गाइस, आज हम इस कॉर्नर के विला की, अमेजिंग विला कहूँगा, विला फ्लोर्स की आज हम आपको विजिट कराने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट फ्लोर आज इन्वेंट्री में अवेलेबल है, आप बाय कर सकते हैं। तो गाइस, आइए विजिट करते हैं आज का ये फ्लोर कंसेप्ट। तो गाइस, जैसे आप देख रहे हैं इसकी एलिवेशन, जो कि बहुत ही सुंदर डिजाइन की गई है। सबसे प्लस पॉइंट है ये कॉर्नर का प्लॉट है 200 के यार्ड का। लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम बात करते हैं, काफ़ी अच्छा पार्क आ जाते हैं, बिल्कुल एक रो छोड़ने के बाद काफ़ी अच्छा पार्क मिल जाता है अपने को, कॉर्नर की स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। उसके अलावा मेडी सिटी से जो रोड मध्यम मार्ग एक्सटेंशन को कट करती हुई सीधी दक्षिण मार्ग एक्सटेंशन की तरफ जा रही है, उस रोड से डायरेक्टली एंट्री रहने वाली है इस लोकेशन की। तो गाइस, आइए अगर हम बात करें, सबसे पहले 40 फीट की रोड आ जाती है, उसके साथ में 8 फीट की ये बम आ जाएगी, जहाँ पे आप इजीली 4 गाड़ियाँ इस तरफ देन 4 गाड़ियाँ उस तरफ लगा सकते हैं, इजीली काफ़ी अच्छी स्पेस मिल जाएगी। प्लस यहाँ पे अंदर भी गाड़ी की पार्किंग का प्रोविज़न दिया गया है। तो आइए आज हम एक्सप्लोर करते हैं यहाँ का फर्स्ट फ्लोर। तो गाइस, अभी हम पहुँच चुके हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर की तरफ। ये हमारा एंट्रेंस गेट आ जाता है, जो कि बिल्कुल वुडन डोर आपको मिलने वाला है, काफ़ी अच्छा यहाँ पे हैंडल वर्क, देन प्रीमियम लॉक मिल जाएगा आपको, 7.5 फीट के करीब इसकी हाइट रहने वाली है। तो आइए अंदर से देखते हैं हमारा 3-बेडरूम सेट फ्लोर वाइज कैसे बना है। तो गाइस, जैसे ही हम अपने फ्लोर के अंदर एंटर करते हैं, सबसे पहले फ्लोरिंग शो करना चाहूँगा, इटालियन फिनिशिंग के अंदर टाइल वर्क किया गया है। देन एंटर करते ही बिल्कुल मेरे सामने आ जाता है एक LED पैनल। जी हाँ, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन आपको LED पैनल का देखने को मिलेगा। देन उसके बाद अगर बात करें फॉल सीलिंग की, काफ़ी अच्छी फॉल सीलिंग आपको ऊपर देखने को मिलेगी, लाइट फैन ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखे हैं। उसके साथ में बिल्कुल LED पैनल के ऑपोजिट आ जाता है अट्रैक्शन पॉइंट के लिए, काफ़ी अच्छा मिरर वर्क किया गया है। और बिल्कुल जैसे हमने एंटर किया था, एंटर करते ही सामने अपना आ गया ये डाइनिंग एरिया, आप इसको कह सकते हैं फैमिली लॉन्ज एरिया कह सकते हैं। देन क्योंकि राइट हैंड साइड में हमारा आता है ड्राइंग एरिया। जी हाँ, काफ़ी स्पेशियस ड्राइंग एरिया आ गया ये, जिसके अंदर भी काफ़ी अच्छी फॉल सीलिंग
लाइट फैंस काफ़ी मॉडर्न कैटेगरी के आप देख सकते हैं इंस्टॉल किए गए, और एज अ पार्टीशन के लिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा वुडवर्क इस्तेमाल में लेके आए हैं। वॉलपेपर आप देख सकते हैं 3D इफेक्ट के साथ वॉलपेपर यूज़ किया गया है यहाँ पे। एसी का प्रॉपर प्रोविज़न आपको मिल जाएगा, आप जैसे ही आएंगे एसी इंस्टॉल कर सकते हैं। देन उसके साथ लाइट और वेंटिलेशन के लिए, स्पेशली लाइटिंग के लिए UPVC के साथ ये टफन्ड ग्लास की आपको विंडो मिल जाती है, जो कि पूरा दिन इस घर के अंदर आपको रोशनी मिलती रहे। देन गाइस अगर आगे बढ़ते हुए देखते हैं, सबसे पहले हमने देखा फैमिली लॉन्च, देन ड्राइंग एरिया, उसके बिल्कुल ऑपोजिट आ जाता है हमारा किचन। जी हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी घर का किचन। किचन के अंदर आप देख सकते हैं दोनों साइड अपने को कैबिनेट मिल जाते हैं, दोनों साइड स्लैब मिल जाती है, डबल ग्रेनाइट के साथ इंस्टॉल की गई है। देन कैबिनेट्स अपने को नीचे भी बिल्कुल मिल जाएंगे, उसके साथ में ही डबल सिंक यहाँ पे इंस्टॉल करके दिया गया है आपको। उसके साथ में ही अगर बात करेंगे इन कैबिनेट्स की, तो काफ़ी मॉडर्न तरीके से इनको यूज़ में लेके आए हैं। वुडन वर्क बहुत अच्छा है, फॉल सीलिंग यहाँ पे भी अल्टीमेट की गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे अपना होम इंस्टॉल कर सकेंगे। चिमनी का प्रॉपर प्रोविज़न आपको दिया गया है, देन लाइटिंग प्रोविज़न भी यहाँ पे आपको बखूबी दिया गया है। आपने कोई भी अपना माइक्रोवेव ओवन कुछ भी इंस्टॉल करना है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। और सबसे मेन बात, यहाँ पे फुल साइज रेफ्रिजरेटर आपका इंस्टॉल हो जाएगा। RO गीजर के लिए यहाँ पे वाटर पॉइंट दिया गया है। इसी के साथ गाइस अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे वुडन डोर दिया गया है, साथ में मैश डोर आपको मिल जाएगा जो कि हमारी बालकनी की तरफ आ जाता है। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं ये हमारी बैकयार्ड की बालकनी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। ये हमारे किचन के साथ साथ हमारे बेडरूम के साथ भी अटैच रहने वाली है। देन इसके साथ ही इस बालकनी का सबसे बड़ा जो फीचर है, जिसके लिए मैं आपको इस बालकनी के अंदर लेके जाऊँ, ये देख सकते हैं एल शेप के अंदर काफ़ी वाइड बालकनी आपको देखने को मिलेगी। प्लस यहाँ पे आपका वॉशिंग एरिया का प्रोविज़न ईजिली दिया गया है, टैब्स दिए गए हैं, इलेक्ट्रिसिटी दी गई है। और यहाँ से अगर मैं आपको लोकेशन दिखाना चाहूँ, आप देख सकते हैं बिल्कुल सामने मेन 200 फीट की रोड आ जाती है, जो कि इको सिटी से डायरेक्टली DLF के लिए कनेक्टिविटी देती है, मध्य मार्ग से दक्षिण मार्ग एक्सटेंशन की तरफ कनेक्टिविटी देती है। तो गाइस काफ़ी अच्छी डील है आज की डेट में अगर आप फ्लोर लेना चाहते हैं इको सिटी फेज 1 के अंदर। आइए तो गाइस अभी आपने देखी बालकनी, तो काफ़ी बढ़िया बालकनी साइज है यहाँ पे। देन अगेन हम अपने फैमिली लॉन्ज एरिया के अंदर आ चुके हैं। सबसे पहले आपको शो करना चाहूँगा यहाँ पे दिया गया है एक पाउडर रूम या कॉमन वॉशरूम कह सकते हैं, जो कि आपके गेस्ट जो भी ड्राइंग डाइनिंग के अंदर बैठे हैं वो इजीली इसको यूज़ कर सकेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एंटीस की टाइलिंग का यूज़ किया गया है। यहाँ पे भी दीवारों पे आपको टाइल वर्क देखने को मिलेगा। लाइट वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर विंडो और अपना एग्जॉस्ट दिया गया है। देन लाइटिंग यहाँ पे भी काफ़ी स्मूथली यूज़ की गई है। तो गाइस आइए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा आता है फर्स्ट बेडरूम। तो गाइस जैसे हम इस रूम के अंदर एंटर होते हैं, आप देख सकते हैं फुल लेंथ आपको अलमीरा साथ में दी जा रही है, प्लस ड्रेसर एरिया विद मिरर आपको कंप्लीट बना के दिया जा रहा है। फॉल सीलिंग यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी यूनिक इस्तेमाल की गई है। यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा आपका एसी का परमिशन, इजली एसी आप इंस्टॉल कर पाएंगे। देन उसके बाद कॉर्नर की वजह से ये कि साइड कॉर्नर के अंदर भी आपको मिरर ग्लास इंस्टॉल करके दिया जा रहा है लाइटिंग के लिए। और सबसे बड़ी बात अगर मैं बात करूँ, UPVC सेक्शन डोर के साथ अपने को यहाँ स्लाइडर्स मिलने वाले हैं। जी हाँ, आपने देखे होंगे हर एक फ्लैट के अंदर, फ्लोर के अंदर डबल स्लाइडर्स होते हैं, सिर्फ मैश डोर कोई भी बिल्डर नहीं देता, लेकिन यहाँ पे आपको मैश डोर भी साथ में मिलने वाला है। तो गाइस ये आती है हमारी बालकनी। तो गाइस यहाँ पे काफ़ी लेंथी अपने को बालकनी मिल जाती है, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से यहाँ पे भी टाइल वर्क मिल जाएगा। एलिवेशन के अंदर भी यहाँ पे टाइलिंग यूज़ की गई है। और ये बालकनी अपनी फर्स्ट बेडरूम के साथ, और जो आपको विंडो दिखाई थी हमने अपने ड्राइंग एरिया से, वो आप देख सकते हैं। देन साथ ही साथ आइए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस अभी चलते हैं हमारे सेकंड बेडरूम की ओर। तो गाइस ये है हमारा सेकंड बेडरूम, अगेन एक स्पेशियस बेडरूम आपको यहाँ देखने को मिलेगा। देन फुल लेंथ अलमीरा यहाँ पे भी आपको मिलने वाली है, इनबिल्ट है। इसके साथ हमारा आ जाएगा अटैच वॉशरूम। जी हाँ, काफ़ी स्पेशियस वॉशरूम है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्लास पार्टीशन आपको साथ में मिल जाएगी।
बाथिंग एरिया को बिल्कुल अलग कर दिया जाएगा। देन मिरर वर्क काफ़ी अच्छा यूज़ किया गया है, सैनिटरी फिटिंग्स टॉप ब्रांड्स की यूज़ की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस ये आपको अटैच वॉशरूम मिलने वाला है। अगर बेडरूम की बात करूँ, अगेन टाइलिंग के अंदर, इटालियन फिनिशिंग के अंदर टाइलिंग यूज़ की गई है। वॉलपेपर यहाँ पे भी 3D वॉलपेपर यूज़ किया गया है। AC का प्रोविजनिंग यहाँ पे भी आपको मिलने वाला है। देन फॉल सीलिंग यहाँ पे भी आपको काफ़ी इफेक्टिव देखने को मिलेगी। अगेन गाइस, जैसे हमने पहले देखा UPVC सेक्शन डोर्स हैं, तो यहाँ पे विद मैश डोर आपको सेक्शन डोर्स मिल जाएंगे। अगेन वो सेम बालकनी जो अभी हमने किचन से आपको शो की थी, अगेन उसकी कनेक्टिविटी आपको यहाँ से मिलने वाली है। आइए गाइस आगे बढ़ते हैं। तो गाइस अभी तक हमने देखे हमारे 2 बेडरूम्स, अभी लेके चलते हैं आपको मास्टर बेडरूम की तरफ। अगेन यहाँ पे भी आपको वुडन डोर मिल जाता है। वाओ, यहाँ पे आपको मिल जाता है वुडन फ्लोरिंग। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको वुडन फ्लोरिंग प्रीमियम कैटेगरी के अंदर मिलने वाली है। देन सेम प्रोविजनल विंडो आ जाती है, सेम UPVC सेक्शन डोर्स के साथ, मैश डोर के साथ, जो बालकनी के साथ हमने आपको शो की थी। फॉल सीलिंग की बात करते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव लाइटिंग के साथ इंस्टॉल की गई है। 3D वॉलपेपर यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। AC के प्रोविजनिंग मिल जाएगा अगेन यहाँ पे। और ये काफ़ी स्पेशियस बेडरूम है। दोनों साइड यहाँ पे आपको अलमीरा वर्क देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं दोनों साइड अलमीराज मिल जाएंगे आपको एज अ ड्रेसर। देन अटैच वॉशरूम, अगेन काफ़ी स्पेशियस वॉशरूम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मिरर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा यूज़ किया गया है, सैनिटरी फिटिंग्स टॉप ब्रांड्स के साथ यहाँ पे भी यूज़ की गई है। तो गाइस शावर वर्क आप देख सकते हैं, अल्ट्रा मॉडर्न सैनिटरी फिटिंग्स यहाँ पे यूज़ में लेके आए हैं। साथ ही साथ लाइट और वेंटिलेशन के लिए विंडो यहाँ पे भी आपको मिल जाएगी। तो गाइस ये था आज का हमारा फ्लोर कंसेप्ट इको सिटी फेस 1 की प्राइम लोकेशन के अंदर कॉर्नर के प्लॉट के ऊपर। तो अगर आप न्यू चंडीगढ़ में कोई भी प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं, आप फ्लोर लेना चाहते हैं, बिल्डर फ्लोर लेना चाहते हैं, तो एक बार कंसिडर जरूर कीजिए, एक बार विजिट जरूर कीजिए। हमारी टीम हमेशा की तरह आपको बेस्ट इन बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।